केजरीवाल की व्यवस्था तो तोड़ देगी देश का संवैधानिक ढांचा। अकल्पनीय है एक राज्य के सीएम की दूसरे राज्य के अफसरों संग बैठक। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश में भ्रष्टाचार मिटाने और सशक्त राजनीतिक विकल्प देने के लिए बनाई गई आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा काम किया है जिसे न केवल अनैतिक बल्कि असंवैधानिक की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। उन्होंने पंजाब के अधिकारियों जिसमें मुख्य सचिव भी थे के साथ बैठक की, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद नहीं थे। पंजाब में एक महीना पहले ही मान के नेतृत्व में आपकी सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों को दिल्ली बुलाया और फिर उनके साथ पंजाब की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। उनका ये काम भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी मुल्क के संविधान में शामिल नहीं है। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करे और उसमें उस राज्य का मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो। केजरीवाल का ये कृत्य अनैतिक तो है ही, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनकी नफरत को भी दर्शाता है। पंजाब के लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने गलत चुनाव कर लिया है, क्योंकि आपका आवरण जितना लोकतांत्रिक है अंदर से वहाँ उतनी ही तानाशाही है। केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने वालों को पार्टी से किनारे कर दिया जाता है, लेकिन इस बार मामला दिल्ली की सीमाओं से बाहर चला गया है, इसलिए ये बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। पंजाब की एक महीने पुरानी भगवंत मान सरकार को अब महज रबर स्टैम्प कहा जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के इस कृत्य के राजनीतिक और प्रशासनिक असर का विश्लेषण करती मेरी यह खास रिपोर्ट। पंजाब में एक महीने पुरानी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार एक नए विवाद में फंस गई है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद नहीं थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प देने के नारे के साथ सक्रिय राजनीति में उतरे सूचना अधिकार कार्यकर्ता और भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद केजरीवाल का ये कार्य न केवल भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है बल्कि नैतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरह गलत है। पिछले 8 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे अरविंद केजरीवाल पहली बार गंभीर विवाद में फंसे हैं। हालांकि इसका अंदेशा देश भर के लोगों को पहले से था। पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल का घमंड इस कदर बढ़ गया है कि वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में मानने लगे हैं। हालांकि ये सही है कि दो राज्य की सत्ता हासिल करने वाली उनकी पार्टी आप आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हो सकता कि वो दूसरे राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों में सीधा हस्तक्षेप करें। ऐसा आज तक केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ है। पंजाब के आईएएस अधिकारियों को सीएम भगवंत मान की अनुपस्थिति में अरविंद केजरीवाल ने तलब किया। ये पंजाब पर दिल्ली के रिमोट कंट्रोल को उजागर करता है। ये संघवाद का स्पष्ट उल्लंघन और पंजाबी गौरव का अपमान है। इतना ही नहीं, पंजाब के अधिकारियों को भी अब स्पष्ट करना होगा कि वे किसके आदेश पर दूसरे राज्य के सीएम के बुलावे पर बैठक में शामिल होने गए थे। पंजाब के मुख्य सचिव और दूसरे तमाम अधिकारी जो इस बैठक में शामिल थे अब संदेह के घेरे में हैं और उन पर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगने लगा है। ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि यदि ये व्यवस्था चलती रही तो फिर दल का मुखिया ही राज्यों के सीएम का काम करने लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस भगवंत मान ने गोपनीयता की शपथ ली, क्या वो उस शपथ को अपने पार्टी प्रमुख के सामने तोड़ रहे हैं? पंजाब की गोपनीय जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंच रही है, ये भी जांच का विषय है। केजरीवाल द्वारा पंजाब के अधिकारियों संग बैठक के बाद वहां की मान सरकार स्वाभाविक रूप से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ट्वीट किया कि पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, सचिव पावर दिलीप कुमार
और PSPCL के चेयरमैन बलदेव सिंह सरन के साथ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। इस बैठक में पंजाब के CM भगवंत मान और बिजली मंत्री हरभजन सिंह मौजूद नहीं थे। हालांकि सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। वड़िंग ने सवाल किया कि क्या पंजाब दिल्ली की कठपुतली है, किस हैसियत से और किस मुद्दे पर यह बैठक हुई। CM भगवंत मान इसे सार्वजनिक करें। इसके बाद उन्होंने मान पर तंज कसा कि सिर तो झुका दिया ही था, अब माथा भी टेक दिया है क्या। उन्होंने सवाल किया कि पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी क्या अब अरविंद केजरीवाल के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ नाम मात्र के मुखिया हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस मामले में CM भगवंत मान से सवाल किया है। सिद्धू ने ट्वीट किया कि चलने दो आंधियां हकीकत की, न जाने कौन से झोंके से बहरूपियों के मुखौटे उड़ जाएं। विपक्ष के हमले के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी स्वाभाविक रूप से केजरीवाल का बचाव करने सामने आ गई है। मान ने तो कहा कि लोग राजनेताओं और राजनीतिक दलों की गंदी और भ्रष्ट राजनीति से परेशान हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके लिए दिन रात काम करेगी। कुल मिलाकर केजरीवाल का यह कृत्य गलत और असंवैधानिक है। एक राज्य का CM दूसरे राज्य के अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकता है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को इस विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो केवल अपनी बनाई हुई व्यवस्था में भरोसा करते हैं। लेकिन केजरीवाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक पार्टी के प्रमुख हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों ने ऐसे तानाशाही मानसिकता वाले नेताओं को खारिज करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।